हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पीएचडी एक्वा। तो आज हमारा लाइफ का फर्स्ट फार्म व्यू है, यानी कि मेरे दोस्त का घर का फार्म, मेरे दोस्त का एक छोटा गप्पी का सेटअप है। गप्पी मौली बहुत सारे फिश है भाई, वो छोटा तो है बट उतना भी छोटा नहीं है। तो चलो पहले दोस्त से मिल लेते हैं, उसके बाद फार्म व्यू होगा। तो ये देख सकते हो, ये मेरा वही वाला फ्रेंड है, आप लोग तो पहचानते ही हो इसको। ये मेरा कैमरामैन भी है, मेरा फ्रेंड भी है। तो आज इसका ही सेटअप व्यू होने वाला है। तो चलो ज़्यादा देर नहीं किया, चलते इसके सेटअप की ओर। तो घर के अंदर आते ही दिख जाता है हमारा ये वाला टैंक, वाओ ब्यूटीफुल, जिसमें कि बहुत सारे भाई गोल्ड फिश है। तो इस टैंक का डेकोरेशन आप देख सकते हो, जो कि मेरे दोस्त ने किया है। तो नीचे की ओर है ब्लैक सैंड, उसके ऊपर बड़े बड़े वाले स्टोन्स है, और साइड में बहुत छोटे छोटे वाले स्टोन, और मेन सेंटर में जो है लॉर्ड बुद्धा का एक मूर्ति, और पीछे की ओर प्लास्टिक का एक प्लांट है, प्लांट नहीं पेड़ बोल सकते हो, प्लांट तो छोटे छोटे पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़, और उस कॉर्नर में एक छोटा पेड़ है, और ऊपर की ओर चल रहा है टॉप फिल्टर। तो इस मछली का इस खास बात देख सकते हो, मैं उधर जा रहा हूँ मछलियाँ उधर जा रहा है, मैं इधर आ रहा हूँ मछलियाँ भी इधर आ रहा है। और भाई इस टैंक का हाइट है साइड में 3 फीट, ऊपर की ओर 2 फीट, और पीछे की ओर 1.5 फीट। तो ये टैंक तो अपने आप ही भाई मेरे दोस्त की वजह से बहुत ही खूबसूरत हो गया है। तो भाई आप लोगों को कैसा लग रहा है भाई, जाओ जाके जल्दी जल्दी कमेंट करो, मैं देख लूँगा। और तो चलो इसको छोड़ते भाई, अभी भी बहुत सारे टैंक हैं, तो चलो नेक्स्ट टैंक की ओर चलते हैं। तो इधर आप देख ही सकते हो, हम आ चुके हैं हमारे दोस्त के नेक्स्ट टैंक के पास। तो ये टैंक नहीं है, एक बोल है। तो इस बोल में है एक बेटा फिश, और ये फिलहाल मेल बेटा फिश है, और ये हमको देखने के बाद छुप रहा है, देख सकते हो। तो चलो थोड़ा खाना दे देते हैं, बाहर की ओर आ जाएगा। ये मेरा दोस्त देख सकते हो खाना दे रहा है, तो इसको खाने में देता है ऑप्टिमम का जो पैलेट होता है, वो पैलेट फूड, ठीक है। ये देख सकते हो ये खाना स्टार्ट कर दिया है। तो इस बेटा फिश का कलर ब्लू है, बट लाइट की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो थोड़ा रुको, लाइट थोड़ा सेट कर रहा हूँ, ये देख सकते हो। हाँ अभी ठीक है, लाइट सेट करने के बाद इसका कलर देख सकते हो, फिन का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलो इसको छोड़ते हैं, और भी सारे बहुत सारे टैंक देखना बाकी है, तो चलो उस टैंक की ओर चलते हैं। तो ये तो गया इंडोर वाला सेटअप, तो इसको भी छोड़कर आउटडोर में बहुत सारा गप्पी फिश है, मौली फिश है। तो चलो अभी फिलहाल छत की ओर जा रहे हैं, उधर जाके देखते हैं कौन कौन सा वाला फिश है। तो छत के ऊपर आते ही हमको पहले दिख जाता है ये वाला हांडी, जिसमें कि कुछ मौली फिशेस है। इस मौली फिशेस को कुछ दिन पहले भाई बहुत सारे खतरनाक वाले बैक्टीरियाज लग चुके थे, तो अभी फिलहाल इसको बैक्टीरिया चला गया है, मेरे दोस्त ने कुछ ट्रीटमेंट किया है, उसके बाद ये पूरा पूरी अच्छा हो चुका है। तो ये फिलहाल अभी 1-2 दिन इधर रहेगा, उसके बाद टैंक में छोड़ देगा हमारा दोस्त इस मौली फिशेस को, मौली फिश का जो टैंक है उसमें। तो आपको जानना है तो जाओ मुझको कमेंट करो, मैं भी ले आऊँगा ट्रीटमेंट के ऊपर वीडियो। तो अभी देख सकते हो सुबह का 9 या 10 ही बज रहा है, और भाई धूप भाई बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और छत पूरा भाई पूरा गर्म हो चुका है। तो पहले तो भाई चप्पल पहनना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जो पाँव है वो जल जाएगा। तो पहले चप्पल पहन लेते हैं, उसके बाद टैंक की ओर चलते हैं। तो पहले बोल दीजिए आपका पास क्या क्या फिश है। तो मेरे पास मेरा जो सेटअप है वो यहाँ पर ही है सारा, इस छाव में, ठीक है। क्योंकि धूप में रखने से क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है, उससे मछलियों का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैंने इस जगह को ही डिसाइड किया, क्योंकि ये बहुत ठंडा रहता है, और मेरे पास मछली में कुछ ज़्यादा भी मछली नहीं है, कम भी मछली नहीं है। मौली के अंदर मेरे पास 2-3 वेराइटीज़ के मौली है, और गप्पीज में भी 2-3 वेराइटीज़ के गप्पीज है, और कुछ येलो श्रिम्स भी है। तो दिखाएंगे सभी, आइए देखते हैं। तो आप इनको ढके क्यों रखे हो? तो ढकने का मेन कारण ये है कि हमारे यहाँ पर खुला मैदान है, और मैदान में बहुत सारे पेड़ भी है, और पेड़ में कौवे बैठते हैं, और कौवे का क्या होता है, वो यहाँ पर आते हैं, और आने के बाद मछली का जो कच्चे मछली का काटा वाटा है वो गिरा देते हैं, और उससे क्या होता है, मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ है उससे मेरा बहुत मौली मर गया, बहुत गप्पीस भी मर गया। तो इसलिए मैं कभी भी रिस्क नहीं लेता हूँ, हमेशा ढक के रखता हूँ। आप लोग यहाँ पर जो पेड़ देख रहे हो, इसमें भी एक सीक्रेट खुफिया बेस है कौवे का, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी सीजन में कौवा ब्रीड करता है, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर नीचे उतरता है पानी पीने के लिए, और उससे ही मेरा सारा मछली मर जाता है। यहाँ पर सीक्रेट बेस है, कभी कभी चेक करना पड़ता है, कभी कभी अगर कौवा आ जाता है तो ढक के रखना पड़ता है हर टाइम।
तो फिलहाल अभी देख सकते हो इसका जो ढकने का जो ऊपर का लीड था उसको हटाना कंप्लीट हो चुका है। और इधर भाई मेरे दोस्त के पास 5 टैंक्स है, तो उसमें भाई बहुत सारे मछलियाँ हैं, तो इसमें मॉलीज है कुछ, तो चलो इसको छोड़ते और पहले टैंक से स्टार्ट करते। तो बोलो इस पहले वाले टब में क्या है? इस वाले टब में आप अगर देखोगे तो लगेगा कि कुछ भी मछलियाँ नहीं है भाई, कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठाऊं तो देख सकते हो ये क्या निकला, सभी मिकी माउस मॉली है। यहाँ पर 20 से 25 मिकी माउस मॉली मैंने रखा है, तो ये सभी मेरे घर के बच्चे ही है। तो इधर आप देख सकते हो हमारे फर्स्ट वाले टब है मिकी माउस प्लेटिस, जो कि छुप कर रहता है इस कॉर्नर में एक आमंड लिप के नीचे। तो इधर मेरे दोस्त के पास 20 से 25 तक प्लेटिस है मिकी माउस प्लेटिस, और इधर जितने भी सारे प्लेटिस है मेरे दोस्त के खुद का घर का प्लेटी है। और फिलहाल प्लेटिस ने बेबीज देना स्टार्ट कर दिया, और साइड वाले टैंक में प्लेटिस के बहुत सारे बेबीज है, गप्पिस की भी बहुत सारे बेबीज है, बहुत सारे बेबीज है, बहुत सारे फिश के बेबीज है। तो चलो साइड वाले टैंक में चलते हैं और दिखा देते हैं कौन कौन सा बेबीज है। साइड वाले टैंक में देख सकते हैं बेबीज है, तो इसमें कौन कौन सा फिश का बेबीज है? देखिए बेसिकली इसमें मैं सब तरह का बच्चा रखता हूँ, मॉलीज का बच्चा, मिकी माउस मॉलीज का बच्चा, गप्पिस का बच्चा, सब तरह का बच्चा है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ नया बच्चा आया है इस टैंक में से, व्हाइट कलर का, ठीक है, मैंने म्यूटेशन कराया था। तो इधर बहुत सारा बच्चा बड़ा भी हो चुका है, थोड़ा थोड़ा कलर आना चालू हो गया है गप्पिस का, तो जब ये पूरा कलर आ जाएगा तो मैं इन लोगों को यहाँ पर ले आऊँगा, ठीक है। तो इनका उम्र कितना है भाई? इनका उम्र ज्यादा नहीं, 1 महीने का आसपास है, 1-2 महीने का आसपास। अच्छा, अब तो चले जाते हैं तीसरे टैंक में। इस टैंक में क्या है भाई? इस टैंक में मैंने बेसिकली क्रॉस ब्रीड कुछ गप्पीज रखे हैं। यहाँ पर देख सकते हो 4 ही गप्पीज है रेड कलर के, ठीक है। ये फुल रेड टॉक्सिडो तो नहीं है, लेकिन कुछ दिखने में तो उतना खराब भी नहीं है, अच्छा लगता है दिखने में, अच्छा लगता है। तो इसको मैंने बेसिकली अलग करके रखा है, क्योंकि मैं इसमें इस चारों में से ब्रीडिंग लेने वाला हूँ फीमेल लाने के बाद, क्योंकि फीमेल अभी मेरे पास नहीं है, वो बोला ना कौवा की वजह से मर चुके हैं। और यहाँ पर कुछ गप्पीज है, व्हाइट टॉक्सिडोज है, येलो है, टाइगर टेल है। तो इसको भी मैं नया टैंक लाने वाला हूँ, नया टैंक लाने के बाद इनसे भी ब्रीड लेने का कोशिश है मेरा, अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो। चलो बड़े वाले टैंक में चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सा फिश है बड़े वाले टैंक में। तो अभी बोल दो बड़े वाले टैंक में कौन कौन सा फिश है। बड़े वाले इस टैंक में मैंने सारे तरह के मॉली रखने का कलेक्शन किया था, लेकिन सारे तरह के तो मॉली नहीं है, कुछ अच्छे भी मॉली है, कुछ नॉर्मल भी मॉली है। तो इधर आप देख सकते हो हमारा जो बड़ा वाला टैंक है ये बेसिकली मॉलीज का टैंक है। तो इधर बहुत ही खूबसूरत मॉलीज है, और इसको भी छोड़कर कुछ श्रिम्स है, तो ब्राउन वाले श्रिम्स है इसमें, ब्राउन कलर के। तो ये बेसिकली रेड श्रिम्प और ब्लू श्रिम्प का क्रॉस होकर ब्राउन श्रिम्प आया है। और मेरा दोस्त ने इस टैंक को देख सकते हो कितना खूबसूरत सजाया हुआ है, और इसका पानी तो भाई पूरा क्रिस्टल क्लियर है भाई, पानी पूरा क्रिस्टल क्लियर। और आप देख सकते हो मेरे दोस्त ने इसको डेकोरेशन के लिए हर एक लाइव प्लांट का यूज़ किया। तो इसमें लाइव प्लांट के अंदर हॉर्न नोट्स है, डेंस है, और एक पेड़ है जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, उस कॉर्नर में है। और ऊपर की ओर देख सकते हो फ्लोटर है, यानी कि जो फ्रॉग बीट्स होते हैं वो, उनके वजह से भाई और भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलो अभी फ़िलहाल इनको खाना देने का टाइम हो चुका है, और मेरा दोस्त अभी फ़िलहाल इनको खाना देने वाला है। तो चलो देखते मेरा दोस्त इन फिशेस को कैसे खाना देता है। तो इधर आप देख सकते हो मेरे दोस्त ने कुछ पैलेट फूड्स को इधर भिगा के रखा है, यानी कि पानी में छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए, और उसके बाद फीड कर देता है। और इधर देख सकते हो नीचे की ओर कौन सा वाला चीज़ है, तो ये भी एक ही फूड है, यानी कि जो पैलेट फूड आता है वही, और वो फिलहाल डस्ट किया वाला फूड है, उनको भी 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना पड़ता है। उसके बाद जब ये सीक हो जाते हैं या नरम हो जाते हैं, उसके बाद ये ड्रॉपर में लेकर बेबीज़ को फीड करता है। तो ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है, और बेबीज़ को भी खाने में आसानी हो जाता है, और जो खाने का वेस्टेज है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो चलो बेबीज़ को तो ये मेरा दोस्त ऐसे ही खाना देता है, और इसको भी छोड़कर मेरे वाले जो मेरे दोस्त का जो गप्पीस है उनको भी ऐसे ही खाना देता है। तो आप
आपने तो सारे टैंक देख लिया, बट अभी फिलहाल एक टैंक बाकी है, यानी कि येलो श्रिम्प का टैंक। तो उससे पहले इस पेड़ को देख लो, इसका नाम शायद से अमेजोन स्वॉर्ड या अमेजोन स्प्राउट होगा, मैं भूल चुका हूँ, आपको पता है तो जाओ जाके जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, मैं देख लूँगा। तो मुझको जब भी पेड़ लगता है भाई ये वाला पेड़ और फ्रॉग बीट, मैं इधर से ही ले जाता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त के पास भाई बहुत सारे हैं, मैं इधर से ही ले जाता हूँ। दोस्त का है तो भाई फ्री का है, भाई इधर से ही मैं ले जाता हूँ। तो चलो इसको छोड़ते और चलते हैं मेरे दोस्त के श्रिम्प के टैंक के ऊपर। तो इधर देख सकते हो मेरा दोस्त का श्रिम्प का टैंक, जिसको वो ऑल टाइम ढक के रखता है, और आपको पता ही है ढकने का रीजन है कौआ। तो इधर 7 से 8 येलो श्रिम्प है, बट वो छुप के बैठा है। तो चलो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं श्रिम्प को। 2000 years later. तो बहुत ढूंढने के बाद इधर देख सकते हो हमको एक श्रिम्प मिल चुका है। तो इधर इसको भी छोड़कर बहुत सारे श्रिम्प है, बट वो छुप के बैठा है, दिखाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो चलो इस श्रिम्प को छोड़ते और बोलते श्रिम्प को वो क्या फीड करता है। तो श्रिम्प को वो बेसिकली जो क्या होता है कैबेज होता है, वो जो पालंग का पत्ता होता है वो, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं खीरा, यानी कि जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, हाँ बोलता है कुछ खीरा जो, ठीक है, वो फिट करता है। ठीक है, तो यही सारे चीज़ फिट करता है। तो चलो भाई वीडियो बहुत ही बड़ा हो चुका है, और ये देख सकते हो टैंक उसके पास 1 2 3 4 5 6 टैंक है, और घर में 7 और 1 8। ठीक है, तो इसको भी छोड़कर वो बहुत सारे पंछियाँ भी पालता है, तो पंछी के ऊपर बाद में वीडियो आ जाएगा। और कल है संडे, संडे भाई कल जो है गालिब स्ट्रीट के ऊपर फुल वीडियो आने वाला है, ठीक है, देख लेना। तो चलो वीडियो को आज इधर ही ख़त्म कर दूंगा, और ख़त्म करने से पहले जो लोग मुझको इतना प्यार कर रहे हो, मुझको इतना सपोर्ट कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मेरे चैनल में नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो जाओ जाके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और हमारे फैमिली में ज्वाइन हो जाओ। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलो आज के लिए फिर से एक बार बाय बाय।